विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। मामलों की रफ्तार तीसरी लहर के आने का इशारा कर रही है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 1333 नए कोरोना मामले सामने आए, जो कि पिछले 7 महीनों में एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। पॉजिटिविटी रेट 4% तक पहुँच गया है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आहट से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। थर्ड वेव को देखते हुए अब बच्चों के वैक्सीनेशन का प्लान बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान दिया है कि स्कूलों में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की योजना पर सरकार योजना बना रही है। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया है कि इंटरनेशनल उड़ानों के आने की वजह से यहां केस बढ़े हैं। ओमिक्रॉन पर जैन ने कहा कि अभी तक एक भी ओमिक्रॉन मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है, हल्के लक्षण हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। कोरोना केस के चलते दिल्ली में 50% क्षमता के साथ मेट्रो बस में सफर करने की इजाजत है। मेट्रो में गाइडलाइन लागू होने के बाद से स्टेशन के बाहर यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें दिखी। लोग कतार में खड़े होकर अपने सफर का इंतजार करते दिखे। नए साल के जश्न से पहले गोवा सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। यहां 31 दिसंबर से होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल होने से पहले लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, साथ ही फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होगा। एक बार फिर से कोरोना केस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिका में पिछले एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए। वहीं फ्रांस में भी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में 1,79,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए। ब्रिटेन में भी 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए।